हाँ जी, राम राम जी। मैं आपका अपना गुलजार छानीवाला, और ये हमारे भाई गोविंद छानीवाला जी हैं गुलजार टीम से। ये अंकित जी हैं और पीछे अमित हैं, और यहाँ हमारे शिवा भाई आ गया। आइए, ये हमारे शिवा भाई हैं, आप जानते होंगे जी। पहले तो नए साल की सभी को राम राम। आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही हंसते रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, और बहुत ही अच्छा जाए आपका ये साल। पिछले साल जो हुआ उसको भूल जाइए, नए साल की एक नए सिरे से शुरुआत कीजिए। दूसरी चीज़ जो हम कहना चाहेंगे कि जो रंडा पार्टी गाना आया है, बहुत ही अच्छा उसका रिस्पांस जा रहा है, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद चाहते हैं। बहुत ही आपने प्यार दिया है। आई थिंक ये हरियाणा में पहली बार हुआ है। पहली बार शिवा भाई? बिल्कुल। शिवा भाई तो काफ़ी सालों से हैं हरियाणा इंडस्ट्री में, तो इन्होंने बताया कि एक नया रिकॉर्ड है कि 5 मिलियन एक पहली बार किसी गाने पर गए एक दिन में। तो बहुत ही हमारे लिए अच्छी बात है ये कि आप इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। धीरे धीरे हरियाणा को एक लेवल पर लाने में हमारी मदद कर रहे हैं। यहाँ हम कुछ कर रहे हैं, आप वहाँ से सपोर्ट करेंगे तभी कुछ हो पाएगा। और दूसरी चीज़ रही, कुछ कह रहे थे कि भाई ट्रेंडिंग में क्यों नहीं आ रहा है चैनल, तो हमारा कसूते गाना आया था, एक ऑडियो हमने हमारे चैनल पर डाला था, तब हमने वो गाना फिर कंपनी को दिया था, और क्लेम की वजह से भी हमें वो गाना डिलीट करना पड़ा था। वो गाना डिलीट करने के बाद थोड़ा हमारा जो चैनल का जो सिस्टम है गड़बड़ा गया, उस वजह से थोड़ा सा वेरिफिकेशन में अभी दिक्कत आ रही है इसको यूट्यूब पर ट्रेंडिंग के लिए, उस वजह से ट्रेंडिंग में नहीं आ पाया है। पर जैसे ही वेरिफिकेशन में आ जाता है तो वो ट्रेंडिंग में ज़रूर आएगा। बाकी स्पीड तो अच्छी आई थी, जितनी ट्रेंडिंग के लायक आई थी शिवा भाई। बिल्कुल। और काफ़ी अच्छा आपने रिस्पांस दिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद चाहते हैं। दूसरी चीज़ जो कहना चाहते हैं, जो झुक झुक जीवे गाना है वो 100 मिलियन जा चुका है। जब हमने ये गाना बनाया था, हमें लगा कि थोड़ा हरियाणा का जो साउंड ऑफ एरा है, एरा ऑफ साउंड है, जो साउंड की जो अभी चल रहा है इस टाइम पे, वो थोड़ा अलग है जो हम बना रहे हैं। हमें थोड़ा रिस्क भी था इस गाने पर, फिर भी आपने इसे बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया झुक झुक जीवे को, तो हम उसका भी तहे दिल से धन्यवाद जाते हैं। 100 मिलियन हमारे लिए बहुत बड़ा, पहले हमारा फिल्टर शॉट गया है जो 117 मिलियन है गोविंद, शायद 117 मिलियन है इस टाइम पे, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और दूसरी चीज़ जो कहना चाहते हैं, ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं, देखिए अदर इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है कि सिंगर्स सभी स्टोरीज डालते हैं जबकि जब भी कोई गाना आता है, फिर कंपनी से उसकी प्रमोशन करवाई जाती है, फिर एक लेवल पे गाना आता है। मगर हरियाणा वालों का, दिल्ली वालों का, राजस्थान, जितने भी मेरे सुनने वाले, उनका इतना प्यार है, ना कभी मैंने कभी प्रमोशन लगाई है और ना कभी किसी आर्टिस्ट से सपोर्ट मांगी है कि आप मेरे को सपोर्ट कीजिए। शुरू से लेके आज तक फाड़ फाड़ गाने से शुरुआत हुई थी हमारी, पहले गाने से, और आज तक ना हमने किसी से सपोर्ट मांगी है। आप सभी की ही दुआ है कि आज हमारा गाना जो 100 मिलियन तक जा पाया है। आप ऐसी सपोर्ट करते रहिए, हम नई नई चीज़ें लाएंगे। दूसरी चीज़ जो हम कहना चाहते हैं, नए साल में क्या नया होगा, जो नया साल आएगा इसके अंदर काफ़ी आपको कोलैबोरेशंस देखने को मिलेगी, नई नई कंपनी से आपको, जैसे टी सीरीज, सोनी, इनसे आपको गाने दिखेंगे हरियाणवी। और दूसरी चीज़ जो दिखेगी आपको वो है कोलैबोरेशंस दिखेंगी, बड़ी बड़ी कोलैबोरेशंस काफ़ी, जो आपने सोची नहीं होंगी कि हरियाणा में भी ऐसा हो सकता है। ये चीज़ें हम करने की कोशिश करेंगे, बाकी आप साथ देंगे तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। देखिए हरियाणा अभी बहुत पीछे है इस इंडस्ट्री में, आप इंडस्ट्री में आके देखिए तब आपको पता चलेगा। हम अकेले से कुछ नहीं होगा, आप सब साथ देंगे तभी हो पाएगा, ऐसी सपोर्ट बनाए रखेंगे तभी हो पाएगा सर। तो सपोर्ट कीजिए, हरियाणा को सपोर्ट की ज़रूरत है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा, हर एक आर्टिस्ट को, नॉट इवन मी, सुमित भाई हैं या एनडी भाई हैं, सुख देसवाल जी हैं, राज मावड़ जी हैं, राजू पंजाबी जी हैं, केडी भाई हैं, कोई भी आर्टिस्ट हो, कोई भी गाना आता है, फुल सपोर्ट कीजिए। हरियाणा को इस टाइम पर ज़रूरत है कलाकारों की, और ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहेंगे तभी हरियाणा इंडस्ट्री, एक फिर फिल्म इंडस्ट्री भी बनेगी धीरे धीरे, सब कुछ होगा आपके प्यार से और सपोर्ट से ही हो पाएगा। दूसरी चीज़ कहना चाहते हैं, कंट्रोवर्सीज जो हमने देखा है, कुछ चैनल्स हमारे बारे में कोई भी फ़ोटो लगा के, हमारी या हमारा नाम लगा के वो डाल देते हैं कि गुलजार भाई ने ये कह दिया, गुलजार भाई ने वो कह दिया, उस आर्टिस्ट का ये हो गया, उसका ये हो गया। तो हम यही कहना चाहेंगे, हमें कंट्रोवर्सीज नहीं चाहिए। हमारे सामने कोई भी अगर ऐसी वीडियो आती है तो हम उड़ा देते हैं। कुछ लोग तो क्या करते हैं, कंट्रोवर्सीज करते हैं ताकि प्रमोशन हो, बट हम, अगर हमारे सामने अगर कोई ऐसी वीडियो आती है तो हम ये चीज़ कहना चाहते हैं, हमारी फ़ोटो लगा के कोई भी, हमारा ही बन नाम, जब से आर्टिस्ट आइकन आया हमारे पास तो हमारे पास ये एक अप्रूवल आ चुका है कि हम, कोई भी अगर हमारा नाम भी यूज़ करता है
तो हम उसकी वीडियो उड़ा सकते हैं। तो हमें हमारे आगे अगर कोई भी कंट्रोवर्सी की वीडियो आप हमारे बारे में अच्छा बताते हैं या हमारी कोई गलती होती है आप उसे दिखाते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर किसी दूसरे कलाकार से लड़ाई करवाते हैं, कलाकार देखिए लड़ाई करने के लिए नहीं होते, वो आपके एंटरटेनमेंट करने के लिए होते हैं। ये माहौल अदर इंडस्ट्रीज में है, हम हरियाणा में होने ही नहीं देंगे पहली बात। तो अगर कोई कंट्रोवर्सी करता है तो हम सीधा डिलीट करवाएंगे, हम पहले ही कह रहे हैं आपको ये चीज़। तो कोई भी हमारे नाम से कंट्रोवर्सी ना करे, हमारे गाने अच्छे चल रहे हैं भगवान की दया से, आप सबके प्यार से, और यहाँ हम हमारे सारी टीम मेहनत कर रही है उसकी वजह से गाने अच्छे चल रहे हैं हमारे, और हम यही चाहते हैं ऐसे चलता रहे सब, और हमें कंट्रोवर्सी की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है सर। और दूसरी चीज़ जो हम कहना चाहते हैं, टिकटॉक वीडियोस जो भाई टिकटॉक वीडियोस भेजते, कई बार क्या होता है मेंशन करते आगे आ नहीं पाती है मैसेजेस में, तो आप क्या कीजिएगा अभी हम क्या करेंगे, कोई भी 10 वीडियोस जो हमें अच्छी लगेंगी उन्हें हम एक एज अ टिकटॉक रील बना के पोस्ट करेंगे इंस्टाग्राम पेज पर और फेसबुक पर भी। सॉरी कॉल आ गया बीच में। तो कोई भी जो 10 हमें अच्छी लगेंगी आप हमें भेजिएगा और हम उनको फिर एक टिकटॉक रील बना के पोस्ट करेंगे हर एक गाने की, चाहे वो वारलैंड हो या रांडा पार्टी, आप हमें बना के सेंड कीजिएगा, हम उसे पोस्ट करेंगे। दूसरी चीज़ जो कहना चाहेंगे कि हमेशा देखिए पॉजिटिव, हम तो यही कहते हैं सर, हमेशा पॉजिटिव रहिए, नेगेटिविटी को हमेशा दूर रखिएगा। कौन क्या कहता है इस चीज़ से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे चाहने वाले हमें जानते हैं हम कैसे हैं, और हम ज़्यादा देखिए बोलते नहीं, हम करने पर विश्वास रखते हैं, अगर काम करेंगे। पुराने गाने सिर्फ 4 गाने चढ़ने से कोई स्टार नहीं बनता, मैं खुद को भी एक स्टार नहीं मानता। कुछ कहते हैं कि भाई इंटरव्यू दो, मैं इंटरव्यू वाले भाई को भी कहना चाहूँगा कि मैं अभी इस खुद को इस लायक नहीं मानता कि मैं इंटरव्यू दूँ, इसलिए मैं इंटरव्यू के लिए मना कर देता हूँ। जिस दिन होगा उस दिन बता देंगे आपको। हमारे माता पिता भी इस चीज़ के लिए मना करते हैं कि ये जो इंटरव्यू वगैरह ना दें हम, हमारा क्या वो, और लड़ाई वगैरह के जो आप कहते हैं कॉन्ट्रोवर्सीज, ये चीज़ें हम नहीं कहते। हमारे जो माता पिता वो इस चीज़ के सख्त खिलाफ है, वो कहते हैं कलाकारी करनी है तो कर वरना घर पे बैठ जा, तेरे को वो कोई ज़रूरत नहीं है चीज़ें करने की। तो हम सर ये चीज़ें आप प्लीज़ रोकिएगा अगर आपको कहीं दिखती भी हैं, और हमेशा पॉजिटिव रहिए ये कहना चाहेंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें पूछ सकते हैं। आज तो भाई लगातार बोल गया है। आज एक्चुअली दोनों यहाँ फेसबुक के लगाए हुए हमने अकाउंट, यहाँ इंस्टाग्राम, दोनों पे लाइव आज हम, और फेसबुक के तो पहली बार आए हैं भाई। बाड़ा का बोझ मगर दंटे की मैं क्या करूँ भाई, थम नहीं कटा देते, कटा लूंगा फिर कहोगे नाश कर दिया, मेरे घर के खुद गाल काट दिया, मैं खुद परेशान हूँ भाई, क्या करना ठीक है। बाकी ठीक सा भाइयो, न्यू सपोर्ट करते रहो, तुम तो कोई सवाल पूछ नहीं लाग रही, मैं क्या करूं भाई। यूपी कब आ रहे हो? यूपी भाई आवांगे, जब बुलाओगे आप जरूर आवांगे। भाई एक बार रंडा पार्टी सुना हो ना, रंडा पार्टी सुना दें भाई साहब। कौन सी लाइन है? काले की बुताके लेना वावे सकदौली हो जावे, रंडा का जागरण हो वैसे जद सारी दुनिया सो जावे, इस इश्क का कीड़े ने काले कई आशिक बूंढे कुटे से, भाई फवी कोल तह जुड़ देना जो दिल र प्यार में टूटे से। बस भाई साहब धन्यवाद। अगला सॉन्ग कब आ रहा है? अगला सॉन्ग बहुत जल्द आ रहा है, जनवरी में ही आ जाएगा वो। और आप सभी ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा, हम तो यही चाहते हैं, सपोर्ट कीजिए हर एक आर्टिस्ट को, हर एक आर्टिस्ट को सर बहुत ज़रूरत है इस टाइम पे हरियाणा को सपोर्ट की। हरियाणा के शेर यूपी का इंतज़ार कर रहा है, यूपी आपका इंतज़ार कर रहा है जी, ज़रूर आएंगे सर। हमारा तो सर हरियाणा जन्मभूमि है, राजस्थान कर्मभूमि है, दिल्ली भी जाने वाले हैं, और अदर स्टेट जितने भी मध्य प्रदेश हर जगह जाने वाले हैं। तो हमारे लिए, हम तो अपने को खुद को एज अ हरियाणवी और राजस्थानी कुछ भी कह लीजिए प्राउड फील करते हैं इन चीज़ होने पर, और आप सपोर्ट करते रहिए, ऐसे प्यार बना रहेगा तभी गुलजार बना रहेगा। गाने का थोड़ा सा डायलॉग बताओ। रे छोरी पाछा यार छोड़निया ना एक बात कहनी है, राम राम मिठे।
रोमांटिक सॉन्ग भी ना जी जरूर, वही हम बता रहे थे आपको इस साल जो कई नई नई चीजें आपको देखने को मिलेंगी एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, आपको काफी चीजें नई नई देखने को मिलेंगी. ठीक है सर, आपके जितने भी गिले शिकवे थे हम दूर कर चुके हैं, अब बाकी हम ज्यादा बोलते नहीं हैं, हम करने में विश्वास रखते हैं, हमारा गाना आएगा तब देखिएगा. ठीक है सर, धन्यवाद. उरूम भी बंद कर दे यार, उरूम भी बंद कर दे भाई.